नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए यूट्यूब से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति माँ कुष्मांडा करेंगी आपका मंगल। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब चारों तरफ अंधेरा था तब माँ कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा का वाहन शेर है, देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा वाली देवी भी कहा जाता है। इनके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप की माला है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हाड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हेरे की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी माँ कुष्मांडा कहलाती है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर लोक में निवास करती हैं। वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य के समान है। माँ की आराधना करने से भक्तों के सभी रोग दुख नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और धन प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, इस श्लोक को कंठस्थ कर नवरात्रि में चौथे दिन इसका जाप करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना शुभ बताया गया है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान बांटना चाहिए, जिससे माता जी प्रसन्न होती हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।